विद्यार्थी मोर्चा कुशलगढ़ विधानसभा अध्यक्ष देवचंद माइडा आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी विधानसभा कुशलगढ़ में मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख मांगों को लेकर हमने ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन शासन अभी तक नींद कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। ना ही उसे सूचना है और ना ही खबर। विधानसभा कुशलगढ़ में महाविद्यालय में रिक्त पदों पर भरा जाए और एमबीडी कॉलेज में मामा जी की मूर्ति लगाई जाए। कुशलगढ़ के संस्थापक राजा कुशलगढ़ भील की प्रतिमा लगाई जाए। बांसवाड़ा से बड़ी सरवा और बांसवाड़ा से कसार बड़ी चलने वाली सरकारी बसों को पुनः शुरू किया जाए। कुशलगढ़ के छोटी सरवा को पंचायत समिति बनाया जाए और वहां पर सरकारी महाविद्यालय खोला जाए। कुशलगढ़ उपजिला को जिला बनाया जाए। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के निम्न कार्यकर्ता उपस्थित रहे, बता देंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से मैं देवचंद मेड़ा विधानसभा अध्यक्ष। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद विधानसभा कुशलगढ़ में मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख मांगों को लेकर हमने ज्ञापन व धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन शासन प्रशासन की नींद अभी तक खुली नहीं। लेकिन मैं उनको पुनः अवगत कराना चाहूँगा, विधानसभा कुशलगढ़ की महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरा जाए और एमबीडी में मामा जी की मूर्ति लगाई जाए। कुशलगढ़ के संस्थापक राजा कुशला भील की प्रतिमा लगाई जाए। बांसवाड़ा से बड़ी सरवा व बांसवाड़ा से कसार बड़ी चलने वाली सरकारी बसों को पुनः शुरू किया जाए। कुशलगढ़ के गाना क्षेत्र में छोटी सरवा को पंचायत समिति बनाई जाए और वहाँ पर सरकारी महाविद्यालय खोला जाए। कुशलगढ़ को उप जिला का दर्जा था, उसको जिला बनाया जाए। धन्यवाद, जोहार। भील प्रदेश मामा बालेश्वर दयाल राजकीय पीजी महाविद्यालय कुशलगढ़ में छात्र संघ महासचिव विकेश कटारा। मैं यह अवगत कराता हूँ कि हमारे महाविद्यालय में जो भी कमी है उसके बारे में। हमारे महाविद्यालय में एक तो रिक्त पड़े पदों को भरने हेतु एवं हमारे महाविद्यालय में कैंटीन की सुविधा नहीं, उसको भी तुरंत चालू की जावे एवं हमारे मैदान में समतलीकरण किया जावे और सीसी सड़क वहां तक जानी चाहिए एवं हमारे महाविद्यालय का कलर किया जावे तथा हमारे महाविद्यालय में साइंस जैसे सब्जेक्ट है तो उनके लिए भी लैबों की व्यवस्था की जाए। लैब तो बना रखी है पर ना तो उसमें सामान है, कुछ नहीं है और यूँ ही लैब बना के रख दी है। इसके लिए वो लैब के लिए सामान नियुक्त किया जाए तथा हमारे महाविद्यालय में आज़ादी के 75 साल हो गए, इसमें प्राचार्य महोदय जी भी नहीं है, उनको भी नियुक्त किया जाए तथा विभिन्न समस्याओं को देखते हुए इन समस्याओं को तुरंत सुलझा जाए। धन्यवाद। और इसके बाद हमारे महाविद्यालय में दूर दूर से आते बच्चे, उनके लिए भी ये छात्रवृत्ति अभी तक नहीं डाली गई है तथा छात्रवृत्ति तुरंत डाली जाए। ग्रह किराया ये सब बाकी है, इसके कारण बच्चे कॉलेज में नहीं आ पाते हैं क्योंकि वही आर्थिक सहयोग से किराया देकर कॉलेज में आते हैं। धन्यवाद।